पैंथर्स पार्टी को जो भारी जन समर्थन मिल रहा है और जो पार्टी की प्रसिद्धि हो रही है, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, निस्ते नाबूद हो चुकी है, हताश हो चुकी है, फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि ये यूएलबी इलेक्शंस के बिल्कुल पहले पैंथर्स पार्टी के टॉप लीडरशिप की जो सिक्योरिटी है वो भारतीय जनता पार्टी के इन्वेस्ट द्वारा विड्रॉ कर दी गई है, और माननीय श्री हर्षदेव सिंह जी की भी सिक्योरिटी जो है वो विड्रॉ कर ली गई है। भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में पैंथर्स पार्टी की प्रसिद्धि से खतरा बन चुका है, और हमारे पास वीडियो के रूप में प्रमाण भी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा माननीय श्री हरदेव सिंह जी को जान से मारने की भी धमकी दी गई है। ये प्रमाण हमने पुलिस प्रशासन को भी दिए हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। ये प्रमाण आज भी हमारे पास मौजूद है और समय आने में इसका भी खुलासा हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयत्न कर रही है कि डोगरों की आवाज को दबाया जाए, जम्मू के लोगों को सप्रेस किया जाए, लेकिन इन चालों से, इस ओछी राजनीति से पैंथर्स पार्टी जो है वो डगमगाने वाली नहीं है। पैंथर्स पार्टी का उद्देश्य है जम्मू के लोगों को उनका हक और इंसाफ दिलाना, और चाहे उसके लिए हमें कोई भी खमियाजा भुगतना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। और आपके माध्यम से ये भी हम भाजपा को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर पैंथर्स पार्टी के किसी नेता को या किसी कार्यकर्ता को एक खरोच तक भी आई, अगर उन पे को जान और उनके माल का नुकसान होता है, तो सीधा सीधा इसकी जिम्मेदारी जो होगी भारतीय जनता पार्टी भी होगी और पुलिस प्रशासन भी होगी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में जो है जम्मू की आवाज को दबाने का पूरी तरह से प्रयत्न कर रही है।